बीसीसीआई ने एशिया कप के लिए किया टीम इंडिया का ऐलान। राहुल और अय्यर की वापसी। तिलक वर्मा को भी मिली जगह। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। एशियाई क्रिकेट का महासंग्राम यानी एशिया कप 30 अगस्त से खेला जाना है। इस टूर्नामेंट के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। बीसीसीआई ने 2023 एशिया कप के लिए अभी 17 सदस्य टीम का चयन किया है। 2023 एशिया कप के लिए भारत की 17 सदस्य टीम में सीनियर लेग स्पिनर युजेंद्र चहल, विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और तेज गेंदबाज उमरान मलिक को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि सैमसन को बैकअप विकेट कीपर के तौर पर टीम के साथ जोड़ा जाएगा। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया में विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है। दरअसल केएल राहुल और श्रेयस अय्यर चोट से जूझ रहे थे, लेकिन अब दोनों खिलाड़ी पूरी तरह फिट हैं। आईपीएल 2023 सीजन के दौरान आखिरी बार केएल राहुल मैदान पर नजर आए थे। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ केएल राहुल चोटिल हो गए थे, जिसके बाद वह पूरे टूर्नामेंट में नहीं खेल पाए थे। बहरहाल केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की वापसी से टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर काफी मजबूत नजर आ रहा है। 2023 एशिया कप के लिए भारत की 17 सदस्य टीम में इन नामों का किया गया है चयन। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा। बता दें कि 2023 एशिया कप का आगाज 30 अगस्त से होगा। टूर्नामेंट का पहला मैच पाकिस्तान और नेपाल के बीच खेला जाएगा। वहीं टीम इंडिया 2023 एशिया कप में अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ 2 सितंबर को खेलेगी। वहीं एशिया कप का फाइनल मुकाबला 17 सितंबर को खेला जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।